अच्छा बच्चों, मेरी आवाज आ रही है अगर आप लोगों को, तो कंटिन्यू करता हूँ। चारों आप आ चुके हैं, हम जी सर आ कंटिन्यू। रही है। हाँ जी बेटा। मेरे बच्चों, बात यह है कि तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हम सवाल समझ चुके हैं। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से चाह रहा हूँ, वो आपके मुंह से निकले तो ज्यादा अच्छा हो। कि देखो, आपने पहली बार इंटरेस्ट लिया अक्टूबर 1 को। अक्टूबर 1 को जब आपने इंटरेस्ट लिया, तो आपने कौन से वक्त का इंटरेस्ट लिया, ये बता सकते हो? अक्टूबर का अच्छा, सोच लो। पिछले अगले महीने का, नवंबर का। अच्छा, दिमाग चला लो, सोचो इत्मीनान से, तो सही जवाब दे दोगे इंशाल्लाह। कंप्यूटेशन तुम्हारे सामने ही है, गौर से देखो। जब तुमने अक्टूबर 1 को इंटरेस्ट लिया, तो बेटा वो पिछले महीने के अनपेड बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट था। सुना आपने? आप अक्टूबर की 1 तारीख को जब आप कस्टमर से पैसे ले रही हो ना, तो आप उससे बोल रहे हो कि पूरा सितंबर की 1 तारीख को गाड़ियां लेके गए थे तुम हमसे, और अक्टूबर की 1 तारीख को आके पैसे दे रहे हो। 1 महीना जो पिछला गुजर गया, उस पे इंटरेस्ट हमने हमने कमा लिया है, वो हम तुमसे ले रहे हैं। समझ आ रही है बात? जी सर, तो बेटा, यस अगर सर। आप अक्टूबर 1 को सितंबर का इंटरेस्ट ले रही हो, तो नवंबर 1 को कौन से महीने का इंटरेस्ट लिया? अक्टूबर 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 को। दिसंबर महीने, दिसंबर की 1 तारीख को कौन से महीने का इंटरेस्ट लिया? नवंबर तो जब आप जनवरी की 1 नेक्स्ट ईयर 2019 में इंटरेस्ट लोगी, तो वो कौन से ईयर का होगा? दिसंबर 2018 2018 2018 दिसंबर। इसका मतलब है वो इंटरेस्ट हमने कमाया तो होगा कौन से साल? 2018 2018 में दिसंबर, लेकिन वो हमें मिला 2018 में, नहीं क्योंकि होगा। क्योंकि हम इंस्टॉलमेंट ही कस्टमर से कब लेते हैं? नए महीने के पहले दिन। ऐसा ही है। यस तो सर। जब दिसंबर 31 साल के आखिरी दिन तक हम एंट्री बनाएंगे, तो दिसंबर 31 को हम कहेंगे कि हम, आवाज नहीं आ रही सामिया को? आवाज नहीं आ रही भाई। बाकी सामिया रिकनेक्ट कर लो अगर आवाज नहीं आ रही। सामिया बेटा रिकनेक्ट करो अगर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सामिया? हेलो सामिया, आवाज आ रही है मेरी? भाई सामिया को कोई बताए कि आवाज आ रही है? एमन और बिस्मा आप लोग बता दें उसको, या तो वो कह रही है आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सामिया बेटा आवाज आ रही है अब या नहीं आ रही? रिकनेक्ट कर लो, रीज्वाइन कर लो, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो चाहो तो भाई। ओके, मेरा ख्याल है आगे बढ़ूं मैं। आ गई आवाज, शुक्रिया। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ आपसे भाई, सिर्फ इतनी सी बात कि हमने जो दिसंबर की 1 तारीख को जो हम इंटरेस्ट लेंगे, दिसंबर की 1 तारीख को जो हम इंटरेस्ट लेंगे, तो हम यकीनन कौन सा इंटरेस्ट लेंगे? जो नवंबर के पूरे महीने पैसे आउटस्टैंडिंग रहे, हम उसका इंटरेस्ट लेंगे ना। तो अब इसी तरह दिसंबर के पूरे महीने जो पैसे आउटस्टैंडिंग रहे, उसका इंटरेस्ट कब मिलेगा हमें? जनवरी फर्स्ट तो जनवरी मिलेगा, जनवरी 1 को। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जनवरी से, मैं पहले ही ले लूंगा, मैं बोलूंगा साल खत्म हो रहा है लाओ दिसंबर 31 को दे दो, नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि दिसंबर 31 को मेरे पास दिसंबर के महीने का इंटरेस्ट कमा लिया, तो इंटरेस्ट लेने का राइट है। राइट आ गया ना। तो इसका मतलब है दिसंबर 31 को मैं जनवरी 1 को जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, उसकी कंपटीशन भी कर लूंगा और उसकी अमाउंट भी अपने पास लिख लूंगा, और कहूंगा ये अमाउंट मुझ पर लेना वाजिब वाजिब है। तो आप मुझे 4th इंस्टॉलमेंट की, हालांकि मुझे 4th इंस्टॉलमेंट लेनी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ समझ ले मेरी बात, मुझे नेक्स्ट ईयर पे जाना नहीं है सर। जब 4th इंस्टॉलमेंट लेनी नहीं है, तो आप 4th इंस्टॉलमेंट की क्यों इंटरेस्ट निकाल रहे हैं? क्योंकि फोर्थ, देखो भाई, सितंबर का इंटरेस्ट, सितंबर में हमने गाड़ी बेची, अब सब मेरा साथ दें प्लीज। गाड़ी कब बेची? सितंबर फर्स्ट को। तो सितंबर के पूरे महीने पैसे आउटस्टैंडिंग रहे, यस सर। और मुझे कब इंस्टॉलमेंट दी अक्टूबर कस्टमर ने लाके? अक्टूबर 1। तो जब अक्टूबर 1 को उसने पैसे लाके दिए, तो उसने मुझे उस दिन तक जितने पैसे आउटस्टैंडिंग रहे, उस पे क्या दिया उसने मुझे साथ? इंटरेस्ट यानी कब से इंटरेस्ट लेके कब तक का इंटरेस्ट दिया उसने? सितंबर 1 से लेके सितंबर की 30 तारीख तक अक्टूबर का इंटरेस्ट फर्स्ट दिया उसने। सितंबर की 1 तारीख से लेके सितंबर की 30 तारीख तक जो पैसे तीस उसके पास तारीख आउटस्टैंडिंग रहे, उस पे उसने मुझे क्या दिया?
इंटरेस्ट अच्छा, फिर इसी तरह जब नवंबर फर्स्ट को कस्टमर आया तो उसने मुझे जनाब क्या कहते हैं अक्टूबर की पहली तारीख से अक्टूबर की 31 तारीख तक जितने पैसे आउटस्टैंडिंग रहे उसका इंटरेस्ट दिया। जी सर। फिर दिसंबर की पहली तारीख को जब कस्टमर आया तो उसने मुझे नवंबर की पहली तारीख से नवंबर की 30 तारीख तक जितने पैसे आउटस्टैंडिंग रहे उस पे इंटरेस्ट दिया। यस सर। तो इसी तरह दिसंबर फर्स्ट से लेके दिसंबर 30 तक जो 31 तक जो पैसे आउटस्टैंडिंग रहे इसका इंटरेस्ट मैंने इसी साल कमा लिया या नहीं कमाया? कमा लिया। लेकिन मुझे मिला नहीं। कब मिलेगा? शायद अगले साल। अगले साल की पहली तारीख को। लेकिन मुझे अगले साल की पहली तारीख को जाने की इजाजत नहीं। लेकिन एडजस्टिंग तो बनाऊंगा ना, कहूंगा इंटरेस्ट कमा लिया है, इंटरेस्ट लेने का राइट राइट है। तो आप कितना इंटरेस्ट कमाया? आप फोर्थ इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकाल लें तो पहली इंस्टॉलमेंट मिली थी, दूसरी मिली थी, कितनी इंस्टॉलमेंट मिल गई? इसका मतलब है तीन, तीन इंस्टॉलमेंट मिल गई तो आप कितने पैसे रह जाएंगे आउटस्टैंडिंग? 4950 तो ये इंटरेस्ट होगा जो मैंने दिसंबर में कमाया होगा, लेकिन मिलेगा कौन से महीने में? बाकी सब भी यकीनन कर ही रहे होंगे, ऐसी बात तो नहीं है, क्यों नहीं कर रहे? हाँ राइट है, सही है, सही है। ये इंटरेस्ट मुझे मिलेगा नहीं, लेकिन ये इंटरेस्ट मैं कमा चुका। हाँ कमा लिया, बिल्कुल सही यार, पता नहीं क्या मसला है बार-बार। हमारा माइक बार-बार डिस्टर्ब है। हाँ अब बताओ बच्चों, ये सामिया डिस्कनेक्ट हो गई शायद, चलें नहीं। अच्छा अब तो बस बच्चों मेरे ख्याल है कंप्यूटेशन सारी हो गई मुकम्मल, अब सिर्फ एंट्री बनानी है। और उसने ये भी लिखा हुआ है कि तमाम इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई और कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ, सही है। तो बताओ अब पहली इंस्टॉलमेंट कब मिली बच्चों? अक्टूबर फर्स्ट को। अक्टूबर फर्स्ट को एंट्री बनानी है, तुम लोग मुझे बताओगे क्या एंट्री बनेगी। और याद रहे कि मुझे अक्टूबर फर्स्ट को जब इंस्टॉलमेंट मिली तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक इंस्टॉलमेंट कितने की मिलती है? 1.5 लाख की। लेकिन उसपे साथ में क्या मिला? इंटरेस्ट। तो अब एंट्री बनाओ तुम लोग, देखता हूँ क्या बनाते हो जहानत से अपनी। इंटरेस्ट को इंटरेस्ट से मिल देखिए, क्योंकि देखो बेटा आप तो अक्टूबर फर्स्ट को इंटरेस्ट हाथ के हाथ ले रही हो तो अब रिसीवेबल नहीं है, वो तो डायरेक्ट इनकम है। बन गई। क्या बनाई? कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बिल्कुल सही बनाई है, बाकी किसी को एतराज हो तो पूछ ले। नो सर। कैश डेबिट की अमाउंट बोलो बिस्मा। 63,000 नहीं 1.5 लाख। कैश डेबिट हुआ 2,13,000। हाँ भाई कैश डेबिट की अमाउंट 2,13,000 है। सर 2,13,000 कैसे आएगी? बेटे सिर्फ इंटरेस्ट लोगी क्या? नहीं सर। साथ में क्या मिलेगा? इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कैश मिलेगा। अबे तो कैश सर 1.5 लाख है ना इंस्टॉलमेंट। तो 1.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट कितना है? 63,000 तो 87,000 कैश मिलेगा ना। अबे 1,50,000 और 63 2,13,000 ही बना सर। 2,13,000 ही बन रहे। तो बिस्मा को क्या हो गया? 2,13,000 सर माइनस कर रही थी मैं। अच्छा तो इसका मतलब है देखो 1,50,000 तो इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं, वो तो हमें मिलने ही मिलने हैं। और आज हमने साथ में बोला कि भाई इंटरेस्ट भी हमें हमें लेना है आपसे,
तो कस्टमर आज हमें बाकी के अमाउंट पर रिमेनिंग बैलेंस पर कितना रिमेनिंग बैलेंस है 54 लाख इस पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो 63,000 इंटरेस्ट मिल रहा है और 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट, तो कितने पैसे मिल गए हमें टोटल 2,13,000। तो पहली एंट्री बनी अक्टूबर 1st कैश डेबिट 2,13,000, इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल क्रेडिट 1.5 लाख और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 63,000। आगे बढ़ूं? यस सर। अगली एंट्री कौन बताएगा? सर सेम ही बनेगी ना। एंट्री तो सेम होगी लेकिन अमाउंट भी सेम होगी क्या? No. जो भी तो बोल रहा हूँ एंट्री बताओ क्या बनेगी। अबे कितना मुश्किल काम पूछ लिया मैंने बेटा, सारी कंप्यूटेशन तो इंटरेस्ट के मैंने करवाई है मेरा बच्चा। सर कैश डेबिट होगा और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट से भी क्रेडिट। अमाउंट भी तो बोलो। और कैश की अमाउंट होगी 2,02,000। कैश की अमाउंट है 2,11,250। 2,11,250 बिल्कुल सही। और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 61,250 और इंस्टॉलमेंट अकाउंट से क्रेडिट 1,50,000। हाँ, यानी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट चेंज नहीं होगी। नहीं होगी, बस इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट चेंज हो गई। क्योंकि अच्छा चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि भाई जैसे जैसे कस्टमर पैसे देते जा रहे हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस अनपेड बैलेंस क्या होता जा रहा है कम। अब जब अनपेड बैलेंस कम होता जाएगा तो इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा कम। बात समझ आई? सबसे पहली बार इंटरेस्ट हमने कितना कमाया था 63,000, फिर इंटरेस्ट कितना कमाया 61,000, फिर इंटरेस्ट कमाएंगे 59,000। समझ आ रही है? चलो अब अगली एंट्री और कौन सुनाएगा? जनाब कोई भी नहीं सुनाएगा, मैं सुनाऊं? चलो मैं ही सुना देता हूँ। बोलो बोलो, शाबाश। 1,50,000 और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 59,500। बिल्कुल सही है, 100% एग्री। दिसंबर 1st तक आप बिल्कुल जबरदस्त गई हैं। अब मुझे बताएं अगली एंट्री कब बनेगी? दिसंबर एडजस्टिंग बनाएंगे ना दिसंबर 31st को। दिसंबर 31st को क्या एडजस्टिंग बनेगी बोले? सर डीजीबी रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल होगा, पहले आप इंटरेस्ट को निपटा दें वरना इंटरेस्ट भूल जाएंगे आप लोग। आप इंटरेस्ट को निपटा दें, मैं चाह रहा हूँ दिसंबर 31st को इंटरेस्ट की कोई एडजस्टमेंट बनेगी? कंफ्यूज हो गया फिर दोबारा। रिटेनिंग में डाल देंगे ना, रिटेनिंग वाली। अरे मेरा बेटा मैं पूछ रहा हूँ दिसंबर 31st को कोई इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है? सोचो, दिमाग चलाओ। आपने सारी कंपटीशंस की है मेरे साथ, हर इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रही हो। अमाउंट बोलो। 57,750। अरीशा आपको समझ आया? एमन को नहीं आया? हेमंत समझ आया? अरीशा सर आप रिपीट कर दें एक दफा। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ क्या दिसंबर 31st को इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट बननी है? सवाल कर रहा हूँ मैं तो आपसे। बिस्मा ने तो बता भी दी मुझे, उनका शुक्रिया। आप कोई बात नहीं, आप मेरे साथ सीखो। मैं आपसे सवाल जो कर रहा हूँ उसका जवाब दो, येस और नो, या बोलो कि मुझे नहीं पता कि बननी है या नहीं बननी। मैं कह रहा हूँ दिसंबर 31st को आपको इंटरेस्ट कमा चुकी हो? यस सर। 3 महीने का? 3 महीने का नहीं बेटा, जो 3 महीने का कमाया वो तो रिकॉर्ड भी कर लिया आपने। आपने अक्टूबर में इंटरेस्ट रिसीव किया, रिकॉर्ड कर लिया। नवंबर में रिकॉर्ड किया, रिसीव कर, रिकॉर्ड कर लिया। दिसंबर की 1st को रिकॉर्ड रिसीव किया, रिकॉर्ड कर लिया। वो 3 महीने का इंटरेस्ट जो आप ले चुकी हैं वो तो आप कमा भी चुकी हैं और ले भी चुकी हैं।
मैं कह रहा हूँ कुछ और इंटरेस्ट है जो आपने कमाया है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक। यस सर, वो जो हमें जनवरी फर्स्ट को मिलेगा। यस, कितना? 57,750। तो ये वो इंटरेस्ट है जो आप कमा चुके हैं। लेकिन मिला नहीं है। तो इसका मतलब है ये इंटरेस्ट लेने का राइट आ गया आपके पास दिसंबर 31 को। ये इस साल की इनकम है, अकाउंटिंग का मैचिंग प्रिंसिपल कहता है जो जिस साल की इनकम उसी साल रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये पैसे इसी साल कमा लिए हैं। वो जो 3 महीने के ऑलरेडी कमा चुके हैं वो तो इनकम है, वो तो इनकम के तौर पर रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन ये वाले पैसे क्योंकि मिले नहीं है तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुए। और अकाउंटिंग कहती है पैसे मिले या ना मिले, अगर तुमने पैसे कमा लिए तो तुम्हारे पास पैसे लेने का राइट आ गया। तो इसका मतलब है क्या एंट्री बननी चाहिए दिसंबर 31 को पहली? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और 57,750। क्यों भाई अमन, कंफ्यूजन दूर हुई? जी सर। ओके, बिस्मा ने तो बताई दी थी। बिस्मा तुमने तुक्का सही लगा दिया था, है सही है? नो सर, मुझे पता है, सोचा मैंने। वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई, अगर तुम्हें पता है माशाल्लाह तुम बहुत सही हो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। तो अब दिसंबर 31 को अब किस चीज की एंट्री बनाएंगे, सोच समझ के बताएं अब आप लोग। चलो शाबाश, इंटरेस्ट डीजीपी की। हाँ, क्या एंट्री बनेगी? डीजीपी रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, डीजीपी रिकॉग्नाइज करेंगे, डीजीपी रिकॉर्ड करेंगे। इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट। हाँ, और डीजीपी क्रेडिट कितने से वो तो पता ही नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी पता लगा लेते हैं। कितनी देर लगती है पता लगाने में? ये लो, ये एक गाड़ी का डीजीपी निकाल लेते हैं तो 5 गाड़ियों का डीजीपी कितनी देर लगेगी? 135,000 मल्टीप्लाई बाय 5 लो, 6,75,000 आ गया डीजीपी। क्या मसला, चेक कर लो आप लोग। अब बनाओ ना आप लोग एंट्रीज, बनाओ क्योंकि हाँ, तो बनाओ एंट्री, बनाओ इंस्टॉलमेंट। अरिशा एंट्री बनाओ, इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट 67,50,000, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट। कॉस्ट कितने से क्रेडिट अभी बता देता हूँ आपको, मसला ही नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 5,60,75,000। अबे कॉस्ट रिकॉर्ड तो की थी तुम लोगों ने, नन्हे ऐसे बन लो जैसे पता नहीं कुछ है। खुद ही कॉस्ट रिकॉर्ड करके बैठी हूँ। गई सर। हाँ, तो क्या एंट्री बनाई अरिशा? इंस्टॉलमेंट सेल डेबिट 67,5,675,000। उसके बाद 5,4×0 67,50,000। हाँ, और 6,075,000। क्या बता रही हो, खूबसूरत अंदाज़े बताने का। ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल क्रेडिट हुई 67,50,000 और क्रेडिट में आया डीजीपी जिसकी अमाउंट है 6,75,000। ये निकालते ही क्या करते थे याद करो? डीजीपी का रेट। बिस्मिल्लाह, जाओ निकालो जल्दी। सब बच्चे डीजीपी का रेट निकालने। 10% जो भी आया, मुझे नहीं पता जो भी आया, 10% आया बिल्कुल सही। ओके जी, 10% डीजीपी रेट आ गया। अब क्या करते थे डीजीपी रेट निकालने के बाद? RGB. लिखो कंप्यूटेशन फॉर आरजीबी, लिखो शाबाश, कंप्यूटेशन फॉर आरजीबी। जी बच्चों, कंपटीशन फॉर आरजीबी लिखा। yes, sir. अब कैश कलेक्शन बहुत संभल के लिखना, कैश कलेक्शन में गलती की ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैश कलेक्शन बहुत संभल के लिखना, फिर बोल रहा हूँ। 5 गाड़ियों की लेंगे। अब मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी ना सबसे पहली कैश कलेक्शन की अमाउंट, एक एक अमाउंट बताते जाओ ताकि मैं वेरीफाई करता जाऊँ। सबसे पहली कैश कलेक्शन की अमाउंट, सबसे पहली अपनी एंट्री से भी ले सकते हो। 13,50,000 लिख लो कैलकुलेटर में, लिख लो 13,50,000। उसके बाद फिर कैश कब कलेक्ट किया? अक्टूबर 1 को। लेकिन सोच समझ के बोलना कितना? 2,13,000। बिल्कुल गलत। नहीं, इसमें इंटरेस्ट भी तो है।
हाँ भाई, इंटरेस्ट की पूरी अमाउंट को तो हम अपनी क्या मानते हैं, डायरेक्ट इनकम, लेकिन जो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल के पैसे हैं उसको थोड़ी इनकम मानते हैं, उसमें से हम कहते हैं 10% हमारा डीजीपी आरजीपी बनेगा। याद आया? Yes, नहीं आया? बिस्मा को याद नहीं आया मुझे लग रहा है, या अरीशा को? अरीशा बेटा, जितने पैसे तुम्हें कस्टमर से लेने होते हैं क्या सारे पैसे तुम्हारा प्रॉफिट होते हैं? नो सर। इसका मतलब है जितने पैसे तुम्हें कस्टमर से लेने हैं उसमें से 10% तुम्हारा डीजीपी है, जो कि पैसे मिलने पर डीजीपी से क्या बनेगा? आरजीपी। लेकिन वो जो तुमने इंटरेस्ट लिया है कस्टमर से, वो तो सारी की सारी तुम्हारी क्या है? इनकम। तो इनकम के ऊपर दोबारा आरजीपी थोड़ी निकालेंगे, इनकम तो ऑलरेडी इनकम है। लेकिन जो तुमने कस्टमर से इंस्टॉलमेंट के पैसे लिए हैं, उस पैसों में कुछ पैसे तुम्हारी इस साल की बन जाएंगे आरजीपी। याद आया? Yes, तो अब हमें कितने रुपए लेने चाहिए? 1,50,000। तो पहली कैश कलेक्शन थी 13,50,000, दूसरी कैश कलेक्शन अक्टूबर 1 को है 1,50,000, तीसरी कैश कलेक्शन नवंबर 1 को है 1,50,000, और चौथी कैश कलेक्शन दिसंबर 1 को है कितनी? 1,50,000। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन कैश कलेक्शन 1.5 लाख की, यानी 4.5 लाख रुपए, और 13,50,000 प्लस करके मुझे बताएं टोटल कैश कितना कलेक्ट किया? 18 लाख का 10% ले लें, आपको आरजीपी पता चल गया 1,80,000। बस आरजीपी आ गया। अब क्या एंट्री बनाते थे बताओ? डीजीपी डेबिट, आरजीपी क्रेडिट। बनाओ, सब लोग लिख के बनाओ प्लीज, सब लोग लिख कर बनाए प्लीज। हाँ बच्चों, बना ली सर। बना ली सर। क्या बनाई? डीजीपी डेबिट आरजीपी क्रेडिट। Yes, 1,80,000। अच्छा, अब अगली एंट्री क्या बनाओगे? आरजीपी डेबिट और रिटर्न अर्निंग क्रेडिट। नहीं बस सिर्फ ये नहीं है ना, अब और भी तो चीजें हैं, साथ साथ सोचो। इंटरेस्ट इनकम। हाँ, तो आरजीपी डेबिट 1,00,000, कितना? 1,80,000 या 18,000, कितना बन रहा है? 1,80,000। आरजीपी डेबिट 1,80,000, और सारी इनकम भी क्लोज करो और वो भी डायरेक्ट रिटर्न अर्निंग में डाल दो। तो डेबिट में क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी बताओ? शाबाश, तीनों को प्लस कर देंगे ना? तीन? नो सर, 57,250 है ना? हाँ, बस 57 है इंटरेस्ट इनकम। बेटे इंटरेस्ट इनकम कितनी बार रिकॉर्ड हुई है? चार बार। तो सारी आएगी ना मेरा बच्चा, सारी लिखी जाएगी। बस सही है, जो भी अमाउंट बन रही है आपने लिख दी, इंटरेस्ट इनकम डेबिट 241 फलाना ढमकाना जो भी, ठीक है। और बस अब क्रेडिट में लिख दो रिटेन्ड अर्निंग। इतना मुश्किल तो नहीं है सवाल, खुदा ना खास्ता, लेकिन हाँ ये कि पहली बार पढ़ते हैं तो लगता है जरा दिमाग पे, लेकिन है आसान। आज हमें इंस्टॉलमेंट के आउटस्टैंडिंग बैलेंस के साथ साथ क्या क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, और उसकी बाकायदा कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। हाँ, और वो कंप्यूटेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको यहाँ दिखा भी दिया, आपने कर भी ली, साथ साथ छाप ली है ना ये कंप्यूटेशन सारी? ठीक है, चलें तो बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, आपके पास कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, वरना मैं आपको और सवाल बता के फिर क्लास को ऑफ करने की तरफ लेके जाता हूँ। बताएं, दिमाग में कोई सवाल आ रहा है जो अभी हमने पढ़ा है उससे मुतालिक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, नहीं है तो फिर काम नोट करेंगे और बस फिर काम कीजिएगा, कल इंशाल्लाह आपके काम चेक करूंगा। अच्छा, हो सकता है बच्चों कि हम कमिंग वीक में जो है आपको रेगुलर क्लास के साथ मर्ज कर दें, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह ये कि आपकी टाइमिंग का भी ज़रा जो ये मिसमैनेजमेंट होती थी वो ख़त्म हो जाएगी। आपको पता ही होगा यकीनन कि भाई दोबारा से बंद हो रहे हैं सेंटर,
तो क्लासेस मेरी ऑनलाइन आ जाएंगी, तो मैं आपको अपनी जो है वो रेगुलर क्लास के साथ ही मर्ज कर दूंगा। टॉपिक देख लूंगा मैं किस तरह से करना है, क्या करना है, मैनेज वो मैं कर लूंगा इंशाल्लाह। बस आप लोगों को इंशाल्लाह को परेशानी नहीं होगी, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं चार लोग पांच लोग वैसे ही जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से। अच्छा सर डेज ये रहेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे? नहीं वो मैं बता दूंगा, मेरा ख्याल है चेंज हो जाएंगे क्योंकि मैं लास्ट 3 डेज में पढ़ाता हूं, तो मैं बता दूंगा कि किस तरह से मैनेज करना है क्या करना है। ठीक है अच्छा जी अच्छा जी हेलो तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये सवाल है 2017 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 2A, 2017 रेगुलर क्वेश्चन 2A, ये हो चुका है? आप लोग खुद कर चुके हो? नो सर नहीं। तो बेटा मैंने आपने मना कर दिया था। अबे तो पठानो मैंने तुमसे अभी आज जब क्लास शुरू की तो मैंने पूछा तुम लोगों ने 2014 से 2019 तक ईयर देखे, तुम लोगों ने हाँ देख लिए, कोई भी नहीं है तो ये वाला सवाल तो बाकी है। सर आपने बोला था मैं खुद करवाऊंगा। हैं क्या करना? खुद मैं खुद करवाऊंगा। अबे तो भाई इसीलिए तो बोला था यार, तुम याद दिला देना, कल मैंने 2014 तक देख लिया था 2006 से, बस ये रह गया था तो तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब कल की क्लास में करवा दूंगा ये सवाल, लेकिन आसान है ये। इसमें ना तुम्हें एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल का और डीजीपी भी दिया हुआ है, लेकिन मजे की बात है जो डीजीपी एंड पे दिया हुआ है वो एंड पर होता नहीं है। डीजीपी कौन सा होता है असल में? ओपनिंग। तो डीजीपी ओपनिंग की मदद से कल मैंने आपको इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग निकालना सिखाया था, याद है आप लोगों को तीनों को? यस सर। तो इस सवाल में भी आपने डीजीपी जो के एंड पे दिया है, जो के एंड नहीं है, ये डीजीपी ओपनिंग है, इसकी मदद से इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल ओपनिंग निकालो और फिर उस इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल ओपनिंग में से इंस्टॉलमेंट अकाउंट से बिल एंडिंग जो सवाल में दिया हुआ है उसे लेस करोगी तो कैश कलेक्शन पता चल जाएगी। ये तुम्हारा दूसरा असाइनमेंट हो गया, नहीं बल्कि पहला हुआ ना होमवर्क में, अभी तक ये पहला सवाल हुआ। तो इस सवाल को करना जरूर कोशिश करना, ए पार्ट करना है तुम सब लोगों ने, और उसको भी बता देना सामिया को कि ये सवाल अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन 2A, सही है? आओ अब मैं और बताता हूँ तुम लोगों को इंटरेस्ट वाले सवाल। अबे यार हम समझ रहे तुमने कर लिए इस तरह के सारे सवाल, तुम लोगों ने अभी अभी इनके साफ किया रह गया। और कौन कौन से सवाल मैंने रोके हैं मेरे एंड पे मुझे बता देना। अच्छा ये लो ये नोट करो, 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, नोट नहीं करो बल्कि सवाल को देख भी लो, मेरा ख्याल है 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, फिर बोल रहा हूँ 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4। कर लिया नोट? yes. 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4, बस एक जुमला इस पे एडिशनल बोल के फिर क्लास खत्म कर देंगे और इसके बाद और होमवर्क नहीं दे रहा आपको, आप खुद ढूंढेंगे इंटरेस्ट वाले सवाल और कल मुझे बताएंगे कि इंटरेस्ट वाले ये सवाल हमने ढूंढे, फिर जो उसमें मुश्किल होगा वो मैं आपको कल अपनी प्रेजेंस में करवा दूंगा और अगर आसान होगा तो फिर हम बस चैप्टर को खत्म करने की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 4 जो मैंने आपको अभी अभी असाइन किया 2017 प्राइवेट का, इस सवाल में पैसे हमें मंथली बेसिस पे नहीं मिलेंगे बल्कि हर 3-3 महीने के बाद मिलेंगे क्वार्टरली बेसिस पर। सुना आपने मैंने क्या कहा, पैसे कब कब मिलेंगे? तीन महीने तक जो पैसे आउटस्टैंडिंग रहेंगे उस पे इंटरेस्ट भी कितने महीने का लेंगे हम? 3 महीने का। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है पूरे साल का 6% पर एनम, सही है? क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है पूरे साल का 6% पर एनम। तो जब हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 6% रेट लगाएंगे तो हमें इंटरेस्ट पता चलेगा पूरे साल का, फिर उसे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 कर लेना, समझ आई? जी सर। मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 और सिर्फ 2017 पे काम करना है हमें। ईयर जो आपको मैंने असाइन किया 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें 2018 में हमने सामान बेचा है और इसने ना रिक्वायर्ड में गलती से लिख दिया है कि 2017 पे काम करें, 17 पे काम नहीं 18 पे काम करना है, ठीक है? अरे 3 लिखा है। अच्छा मेरी फाइवर में गलत लिखा हुआ है रिक्वायर्ड में, आप रिक्वायर्ड पढ़ो। गिव जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग फॉर द ईयर,
2018 only. अच्छा मेरे पास 5 ईयर में 17 लिखा है showing computation. तो बहरहाल आप लोग 18 की entries बना लेना. सही है कोई confusion? मेरे पास 17 लिखा है. हाँ अब जिसकी 5 ईयर में गलत लिखा वो सही. वो सही कर ले मेरा बेटा. सही है मेरा फर्स्ट था बताना. आप जिसके पास सही लिखा उसका शुक्रिया. जिसके पास सही नहीं है वो सही कर लेगा. 2018 की entries बनाना. एक सवाल हो गया और बताऊं या फिर तुम खुद ढूंढोगे? सर ढूंढे मैं पहले से. पहले से ढूंढने में वेरी गुड. तो मुझे बता दो डायरेक्ट मैं खुद ही उस सवाल पे चला जाऊंगा. तुमने ढूंढा हुआ इंटरेस्ट का सवाल? सर 15 प्राइवेट में भी है. 15 प्राइवेट में भी है. ओके अभी देख लेते हैं. अच्छा ना टाइम बच जाएगा इस तरह. तो ये तो बहुत अच्छा काम किया हुआ तुमने. 2015 रेगुलर क्वेश्चन नंबर प्राइवेट सर. रेगुलर नहीं प्राइवेट है क्वेश्चन नंबर 4. ओके 2015 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4. बिल्कुल सही कह रही हैं आप. ये कामरान कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला सवाल है. बाकी लोग भी नोट कर लें. और इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट है. आप चाहें तो पहले इस सवाल को कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल और 2019 का सवाल एक जैसी तर्ज के ना तो वो यूज टू हो जाता है इंसान रट्टाफिकेशन से. तो पहले आप ये कर लें बेशक अगर चाहें तो. 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 सही है. सुन लिया? जी सर. पहला सवाल 15 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4. फिर दूसरा कौन सा करोगे? 17 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 17 प्राइवेट. और फिर उसके बाद वो जो सवाल तुम लोगों ने मेरे गले रख दिया बोला आपने छोड़वा दिया था बोला था आप करवाएंगे कौन सा ईयर है वो? 17. बस तो 3 ईयर हो गए. अब ये 3 ईयर तुम अटेम्प्ट करो इंशाल्लाह. कल अल्लाह के हुक्म से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि जिस हद तक इस चैप्टर को फिनिश लाइन के करीब ले जा सकते हैं ले जाएं. ठीक है बच्चों कोई क्वेश्चन फिलहाल कुछ पूछना है? नहीं सर. चलो बस ठीक है. ख्याल रखना अपना. आप सब लोग हंसते मुस्कुराते रहो खुश रहो आबाद रहो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है. फिर अमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज बच्चों. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.